हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीपिकास किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मुर्ग मुगलाई। ये मुर्ग मुगलाई की रेसिपी आप मेरी इस वीडियो में देख सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी है खाने में और क्रीमी भी है। चलिए मैं आज दिखाती हूँ मुर्ग मुगलाई कैसे बनाते हैं। मुर्ग मुगलाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो चिकन ले लिया, यहाँ पे काजू, आलमंड और 2 हरी मिर्च ले लिया, यहाँ पे मैंने दही ले लिया, फ्रेश क्रीम, और यहाँ पे मैं 2 मीडियम साइज के प्याज को पेस्ट करके रखा। अभी मैं चिकन को मैरिनेट करने जा रही हूँ। चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून सॉल्ट ले लिया, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर और 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया। और इस सारे चीज इंग्रीडियंट्स को मैं हाथ से अच्छे से मैरिनेट कर लूंगी। ये देख लीजिए, चिकन मैरिनेट हो गया। अभी मैं इसको मैरिनेट करने के लिए फ्रीज में आधे घंटे रख लूं। चिकन को मैंने मैरिनेट करने के लिए रख दिया फ्रीजर में। अभी मैं इसको जो काजू और बादाम और हरी मिर्च रखा था, इसको मैं अच्छे से पेस्ट कर लूंगी, अच्छा अच्छा पेस्ट बना लूंगी। आधे घंटे हो गया और चिकन भी मैरिनेट हो गया अच्छे से। अभी मैं कढ़ाई में ऑयल दे दिया, 4 टेबल स्पून जैसा मैंने ऑयल दे दिया। अभी इसमें मैंने जो मैरिनेट करा हुआ चिकन रखा था उसको चिकन को मैं अच्छे से फ्राई कर लूंगी। गैस का फ्लेम आप बढ़ा के रखिए इस टाइम पे, और अच्छे से चिकन को फ्राई कर लीजिए। 80% तक चिकन कुक हो जाना चाहिए हमें इस टाइम। अभी 10 मिनट के लिए मैं ऐसे छोड़ दूंगी गैस का फ्लेम बढ़ा के। देख लीजिए 10 मिनट हो गया, चिकन 80% तक कुक हो गया, चिकन ने ऑयल भी छोड़ दिया अपना। अभी मैं इसको उठा लेती हूँ। वो जो चिकन मैंने उठा लिया उसका जो ऑयल है उसी सेम ऑयल में मैं इधर 1 टेबलस्पून घी ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा जीरा, तेजपत्ता और साबुत मसाला मैंने डाल दिया है, इलायची, दालचीनी, लौंग जो कुछ है सब मैंने डाल दिया है यहाँ पे। अभी मैंने जो यहाँ पे प्याज पेस्ट करके रखा था वो ऐड करी इसमें, और प्याज को मैं 2 मिनट के लिए ऐसे फ्राई कर लूंगी ताकि प्याज का कच्चापन थोड़ा दूर हो जाए। 2 मिनट हो गया, इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करी हूँ, इसको भी अच्छे से फ्राई कर लूंगी 2 मिनट। 2 मिनट हो गया, अभी मैं इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करी हूँ, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अभी मैंने जो यहाँ पे काजू और आलमंड पेस्ट करके रखा था, बादाम पेस्ट, वो ऐड करी हूँ। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसको 5 मिनट के लिए ढक के रखिए। 5 मिनट हो गया, मैं अभी ढक्कन को हटा देती हूँ। आप देख सकते हैं मसाले ने ऑयल छोड़ दिया। इसी टाइप पे मैंने जो दही रखा था वो ऐड कर दी इसमें। और इसमें मैं अभी पानी ऐड करी हूँ। पानी आप अपने हिसाब से ऐड करिए, कम ज्यादा जितना आप ग्रेट पसंद करें, लेकिन इस मुर्ग मुगलाई में पानी थोड़ा कम ही यूज कीजिए। अभी इस ग्रेवी में मैंने जो फ्राई किया हुआ चिकन रखा था वो डालने जा रही हूँ, वो ऐड कर दीजिए आप लोग इसमें। और अभी आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मैंने यहाँ पे चिकन को अच्छे से मिक्स कर लिया ग्रेवी के साथ। अभी मैं ढक के 10 मिनट के लिए इसको कुक कर लू। देख लीजिए आप लोग, 10 मिनट होगा, मैं ढक्कन को हटा लेती हूँ। आप लोग देख सकते हैं इसका कलर, चिकन अच्छे से कुक भी होगा। देखने में जितना यम्मी लगता है खाने में भी उतना ही टेस्टी है।
क्रीम रखा था वो ऊपर से ऐड कर रही हूँ और इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये मुगलाई चिकन बहुत ही क्रीमी होता है, घर में अगर कोई गेस्ट आ जाए तो आप इसको बना के जरूर खिलाइए, गेस्ट आपकी तारीफ करते नहीं थकेगी। और लास्ट में मैं ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता ऐड कर रही हूँ, अभी मैं गैस को बंद कर देती हूँ। मुर्ग मुगलाई बन के रेडी है, अभी मैं इसको साफ करने जा रही हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, मुर्ग मुगलाई बन के एकदम रेडी है। अरे आप लोग घर में जरूर ट्राई कीजिए और बताएं मुझे कैसा लगा ये चिकन का रेसिपी। मुर्ग मुगलाई एकदम रेडी है। चलिए मैं आज के लिए चलती हूँ, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। आज के लिए बाय। और अगर आपको मेरी इस वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर भी कीजिए।